स्टार प्लस की सीरियल तेरी मेरी डोरिया में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, रूमी ने साहिबा को किडनैप करके रखा है एक बड़ी ही सुनसान सी जगह पर, और वो आए दिन साहिबा को टॉर्चर किए जा रहा है। साहिबा उससे बहुत परेशान है। अब की बार तो वो साहिबा से कहता है कि तुम्हें मेरी मम्मी से मिलने जाना है, इसलिए तुम स्माइल करो, स्माइल करो, वरना मैं हमेशा के लिए तुम्हारी स्माइल बना दूंगा। साहिबा उसको गुस्सा होकर कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कितने बदतमीज़ हो, तुम मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तब वो साहिबा का फेस बहुत ही ज़ोर से पकड़ता है और उसे टॉर्चर करते हुए फिर से कहता है, तुमको बोला कि सीधे सीधे मेरी बात मान लो, लेकिन तुम्हें मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती, अब मुझे तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा। मैंने कहा ना, तुम्हें मेरी मम्मी से मिलने जाना है, तो बात को सीधे सीधे मान लो। उधर दूसरी ओर अंगद फरार हो चुका है। अंगद को साहिबा के मर्डर के इल्ज़ाम में पुलिस ले गई थी, लेकिन अंगद पुलिस स्टेशन से भाग गया। अंगद को पुलिस हर जगह ढूंढ रही है, सब लोग अंगद को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन अंगद का कोई अता पता नहीं। अंगद फरार हो चुका है, कोई उसे पहचान नहीं रहा, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में अंगद किसी से टकरा जाएगा, और जब ऐसा होगा तब पुलिस की नज़र में अंगद आ जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर हवलदारों से कहेगा, यहाँ पर साहिबा की अरदास होने वाली है, इसलिए पूरी फैमिली यहाँ पर आएगी, यहाँ पर अंगद सिंह ब्रार ज़रूर आएगा, बहुत ध्यान रखना, वो यहाँ पर ज़रूर आएगा, जैसे ही वो आए उसे गिरफ्तार कर लेना। सभी हवलदार प्लस पुलिस इंस्पेक्टर सब अंगद को ही ढूंढने में लग जाते हैं। ये कोई नहीं जानता कि अंगद वहीं है, लेकिन तभी अंगद किसी से टकरा जाता है। जिससे अंगद टकराता है वो ज़ोर से चिल्ला देती है और वो कहती है, तुम तो वही हो ना अंगद सिंह ब्रार, जिसने अपनी वोटी का खून किया है, वही हो ना तुम। अंगद कुछ नहीं कहता, लेकिन चौंक जाता है, क्योंकि वह सबके सामने ये बात कहती है, अंगद का नाम सबके सामने लेती है। जैसे ही ऐसा होता है, पुलिस का ध्यान भी अंगद की तरफ चला जाता है। पुलिस भी अंगद के नाम से एकदम चौकन्नी हो जाती है और देखने लगती है, क्या पुलिस फिर से अंगद को गिरफ्तार कर लेगी? आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।